आज हम बना रहे हैं बिहार की फेमस डिश लिट्टी, वो भी कुकर में, वो भी बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। सबसे पहले इसकी सत्तू तैयार करेंगे। यह है चना की सत्तू और इसमें मैंने डाला अदरक लहसुन और ये है हरी मिर्च बारीक कटी हुई और यह है धनिया। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था इसलिए पीसी हुई धनिया का यूज कर रही हूँ, धनिया की चटनी का। और यह है नींबू का रस। और यह है सफेद नमक। और यह सरसों तेल और 2 चम्मच अचार मसाला और ये अजवाइन। अब सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स हो चुकी है, अब लिट्टी का आटा तैयार करेंगे। ये गया 1 चम्मच सफेद नमक, ये है अजवाइन और ये है हींग और ये गया घी 1 चम्मच। अब सबको आपस में मिक्स कर लेंगे और एक सख्त डो तैयार करके रख लेंगे। ये देखिए हो चुकी है। अब इसे भरना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हाथों में लुई को लेके गोल गोल घुमाएंगे और कटोरी जैसा बनाएंगे। उसके बाद उसमें अब भरेंगे हम ऐसे, इस तरीके से अच्छे से भर देंगे और इसे हम गोल सा बना के तैयार करेंगे। ऐसे करके सारे लुई को तैयार कर लेंगे। अब कुकर में तेल लगाएंगे, सरसों का तेल, ताकि ये चिपके नहीं। ऐसे अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे और मीडियम फ्लेम में गैस में चढ़ा देंगे और बारी बारी से सारे लिट्टी को रख देंगे। रखने के बाद हमें 5 से 6 मिनट तक इसे हर 2-2 मिनट में खोल खोल के ऐसे चम्मच की सहायता से पलटते रहना है। 2 से 3 बार ऐसे ही करना है। उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। फिर बंद करने के बाद 30 से 35 मिनट तक इसको हिला हिला के पका लेंगे। हर 2-3 मिनट में इसे ऐसे हिलाते रहेंगे। अब हमारी लिट्टी को हो चुकी है 35 मिनट। अब ढक्कन हटा के देखेंगे, ये बिल्कुल पक चुका है। देखिए कितने अच्छे से हो चुका है। अब इसे बारी है सर्व करने का, तो पहले अच्छे से घी लगा लेंगे इसमें और एक प्लेट में सर्व करेंगे। अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।